अरे शामी भाई, शामी भाई, एक ही जान है कितनी दफा लोगे, एक ही दिल है कितनी दफा जीतोगे, एक ही ट्रॉफी है कितनी दफा उठाओगे। 7 wickets इन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। आई कैन नॉट बिलीव कि मैंने अपनी जिंदगी में इस उम्र के अंदर मरने से पहले मोहम्मद शामी को 7 wickets अगेंस्ट न्यूजीलैंड लेते हुए देख लिया है। क्या किसी ने खूब कहा था, किसी एनालिस्ट ने, कि मोहम्मद शामी इज द विराट कोहली ऑफ बॉलिंग। सोचो, विराट कोहली स्टैंडर्ड है एक्सीलेंस का, लेगेसी का, और इंडिया कितनी इस वक्त खुशकिस्मत है कि उनका अपना ही लेजेंडरी बैटर विराट कोहली को रेफरेंस यूज किया जा रहा है उनके बॉलर को उतनी ही लाइमलाइट देने के लिए, और ये सारा कुछ एक ही टीम के अंदर हो रहा है। आई थिंक दिस इज समथिंग जो शायद हमें कभी दोबारा किसी इतने बड़े टूर्नामेंट में देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स रिटायर होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के बाद। स्पेशली मुझे रिटायरमेंट की बात सोचते हुए अफसोस होता है केन विलियमसन के लिए, कि यार उस बंदे को एक आखिरी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन उस बंदे ने जितना फाइट किया, उस बंदे की टीम ने इंडिया जैसी टीम को इतनी टक्कर दी है, ये कोई आसान काम नहीं था 300 से ऊपर स्कोर करना। वो तो एंड पे शामी भाई अपना मैजिक ना दिखाते तो न्यूजीलैंड का अच्छा खासा चांस बन सकता था आज। लेकिन क्या ही मैच देखा है यार हमने, क्या 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 पर्सनैलिटीज देख ली है, क्या क्या लेजेंड्स देख ली है एक ही टीम के अंदर, एक ही टूर्नामेंट के अंदर, एक साथ इकट्ठे, कॉन्सेंट्रेटेड लेगेसी इन वन ग्राउंड। विराट कोहली सरपासिंग सचिन तेंदुलकर लेगेसी, मोहम्मद शामी ब्रेकिंग हिज ओन रिकॉर्ड, श्रेयस अय्यर स्कोरिंग अनदर सेंचुरी, डैरिल मिचेल स्कोरिंग 134 एन इनिंग्स टू रिमेम्बर। इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट रिजल्ट, बट शामी भाई द ग्रेट has done his magic। वर्ल्ड कप से पहले एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मैं इंडिया के बारे में जो मर्जी सोच रहा हूँ, बट इंडियन टीम हैज कन्विंस्ड मी कि उनसे बेहतर कोई टीम इस वक्त नहीं है, इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप के सिनेरियो में। और अब ना चाहते हुए बिना इंडियन टीम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, सेमीफाइनल में इतने रिकॉर्ड्स तोड़ के अगर फाइनल में पहुंच गए हो तो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका जैसी टीम से हार के पूरे एशिया का दिल ना तोड़ना यार। अगर इतनी हाइप क्रिएट करके फाइनल में आना ही है तो फाइनल में ट्रॉफी उठाने की नीयत से आना, वरना इधर ना आना यार।